हेलो स्टूडेंट्स, आज हम देखेंगे बटरेस थ्रेड कैसे ड्रॉ करते हैं। सबसे पहले तो मैं बताऊंगा बटरेस थ्रेड होता क्या है। ये जो बटरेस थ्रेड होता है ये स्क्वायर थ्रेड और वी थ्रेड का कॉम्बिनेशन होता है। जैसे कि एक तरफ आप देख सकते हो ये फ्लैट है और एक तरफ वी शेप है, तो ये स्क्वायर थ्रेड और वी थ्रेड का कॉम्बिनेशन होता है। ये कॉम्बिनेशन इसलिए होता है क्योंकि पावर ट्रांसमिशन और स्ट्रेंथ की इफिशियंसी कंबाइन करने के लिए ये बटरेस थ्रेड बनाया गया है, कि जिससे पावर ट्रांसमिशन और स्ट्रेंथ दोनों एक ही थ्रेड में मिल जाए। तो ये यूज़ कहाँ पे होता है, ये आर्मी की जो आर्टिलरी मशीन्स होती है, तोपखाना होता है, उनमें ये इसका ब्रिज लॉक फॉर्म यूज़ होता है। और ये वॉइसेस में यूज़ होता है, क्योंकि ये सिर्फ बटरेस थ्रेड सिर्फ वन डायरेक्शन में पावर ट्रांसमिट करता है, इसलिए ये वॉइसेस में यूज़ होता है। क्योंकि आप देख सकते हैं अपने कॉलेज में जो बेंच वॉइस रहता है उस पर हम कुछ पार्ट फिक्स करते हैं और वो उसको टाइट करते हैं। बटरेस थ्रेड ये किसी भी पार्ट को मशीन करते, कोई भी ऑपरेशन परफॉर्म करते समय उसको फिक्स रखता है, फोर्स वन एक्सियल डायरेक्शन में फोर्स ट्रांसमिट करता है। और ये ज़्यादातर ऑयल इंडस्ट्री में भी हाइड्रोलिक सील प्रोवाइड करने के लिए भी यूज़ होता है। और ये सिर्फ वन डायरेक्शन में पावर ट्रांसमिट करता है। अब ये हम देखेंगे कि बटरेस थ्रेड ड्रॉ कैसे करते हैं। तो बटरेस थ्रेड ड्रॉ करने के लिए हमें चाहिए चार पैरामीटर, एक पिच, दूसरा डेप्थ, पिच यानी कि यहाँ से यहाँ तक का डिस्टेंस, डेप्थ यानी कि ये पॉइंट से टॉप से यहाँ तक का डिस्टेंस, और फ्लैट, ये जो फ्लैट है इसका डिस्टेंस। अभी फ्लैट क्या और ये क्रेस्ट, ये रहता है क्रेस्ट, ये रहता है रूट। ये क्रेस्ट और फ्लैट का डिफरेंस मैं इसमें बताऊंगा, क्योंकि बहुत स्टूडेंट को ये समझ में नहीं आता है कि ये डी बाय एट क्या है, अभी मैं इसमें बताऊँगा आपको। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, अगर पिच हमने 40 mm लिया है तो हम डेप्थ कैलकुलेट करेंगे। डेप्थ जो कि पिच के समान ही रहता है, तो जब हमारा पिच 40 mm है तो डेप्थ भी हमारा 40 mm आएगा। अभी फ्लैट, फ्लैट कितना रहेगा, जो कि मैंने इधर बताया ये है फ्लैट, तो ये है 0.16 p। तो इसका कैलकुलेशन अगर करेंगे तो आंसर आएगा 6.4 mm। और क्रेस्ट या फिर फ्लैट का, ये दोनों का डिस्टेंस, क्रेस्ट और फ्लैट का जो डिस्टेंस है वो है डी बाय, तो इसका कैलकुलेशन करेंगे तो डिवाइड रहता है 0.125, तो डी है हमारा 40 mm, तो 40 डिवाइड बाय 8 करेंगे तो हमारा आंसर आएगा 5 mm। ये हो गया हमारा 5 mm। तो ये पैरामीटर्स यूज़ करके हम बटरेस थ्रेड बनाएंगे। पहले तो मैं क्या करता हूँ, यहाँ पे एक लाइन ड्रॉ करता हूँ। लाइन ड्रॉ करने के बाद मैं प्रोट्रैक्टर लेता हूँ, एक पॉइंट लेता हूँ, यहाँ पर समझो यहाँ पे लिया, ये पॉइंट से मैं 90 डिग्री का एक ऊपर एक पॉइंट लेता हूँ, वो पॉइंट को मैं यहाँ से ज्वाइन करता हूँ। ज्वाइन करने के बाद हमें डेप्थ कितना मिला है, 40 mm, तो मैं इस पॉइंट से 40 mm का डेप्थ लेता हूँ। वो इसी लाइन को पैरेलल लाइन ऊपर मुझे ड्रॉ करना है, अभी इसी लाइन को पैरेलल में लाइन ड्रॉ करता हूँ सेम उतनी ही लेंथ का। अभी हमें क्या करना है, पिच है 40 mm, तो इस लाइन पे मैं 40 mm के पॉइंट्स लेता हूँ वर्टिकल लाइन मारने के लिए। 1 2 3, हम चार थ्रेड बनाएंगे तो मैं 16 mm तक उसका लेंथ लेता हूँ। अभी जो पॉइंट्स मिले मैं इस लाइन को पैरेलल वो पॉइंट्स से लाइन ड्रॉ करता हूँ वर्टिकल लाइन, 1 2 3 और 4, ये पॉइंट्स मैंने ड्रॉ किए। अभी हमने यहाँ पे देखा फ्लैट, फ्लैट निकालना है उसका, तो बाद में हम देख दिखाऊंगा मैं ये 6.4 कैसे आता है। अभी मैं क्रेस्ट टू फ्लैट का डिस्टेंस जो डी बाई एट आया है 5 mm, उसका डिस्टेंस इधर मैं लेता हूँ, ऊपर से 5 mm और नीचे से 5 mm, दोनों पॉइंट्स मिले। उसके बाद मैं रोल एंड ड्रॉ रख कर उसी पॉइंट से पैरेलल लाइन निकालता हूँ,
ये ऊपर भी हो गया, नीचे भी हो गया। अभी बटरेस शेड बनाने का उसका एंगल, सॉरी इधर मैं एंगल लिखना भूल गया, एंगल रहता है बटरेस शेड का 45 डिग्री। तो 45 डिग्री हमें निकालना है, तो क्या करेंगे, आपको पता है ये है 40 mm है और ये भी 40 mm है, तो ये स्क्वायर बन गया। और स्क्वायर का डायगोनल जो रहता है वो अगर हम डायगोनल निकालेंगे तो उसका एंगल आएगा 45 डिग्री। तो सीधा मैं ये पॉइंट से ये पॉइंट तक डायरेक्ट डायगोनल निकालता हूँ, यहाँ तक फेंट रखूँगा, यहाँ तक फेंट रखूँगा और बीच में मैं डार्क निकालूँगा। बाद में इधर भी मैं डायगोनल निकालूँगा, यहाँ तक फेंट, यहाँ तक फेंट और बीच में डार्क। फिर यहाँ भी मैं डायगोनल निकालूँगा, यहाँ पे फेंट और बीच में डार्क। फिर यहाँ पे भी मैं फेंट फेंट और बीच में डार्क, ये चार थ्रेड बन गए। अभी मैं दिखाता हूँ, यहाँ तो इतना बन गया, मैं ये लाइन को डार्क करूँगा, ये जो फ्लैट आया हमें इसको डार्क करूँगा। अब मैं फ्लैट को आपको मेज़र करके दिखाऊँगा, थोड़ा फार एरर रहेगा लेकिन 5 to 6 mm का वो डिस्टेंस बराबर रहेगा। सॉरी इधर नहीं, इधर था फ्लैट को, यहाँ से भी हमें फ्लैट ही निकलना है, नीचे जो रूट रहता है इधर भी हमें ऐसा फ्लैट दिखाना है। एक्चुअल में थ्रेड फॉर्म ऐसा रहेगा, मैन्युफैक्चर जब करेंगे हम तो एक्चुअल में थ्रेड फॉर्म ऐसा रहेगा। इसको मैं नीचे लेता हूँ थोड़ा, और इसको जॉइन करता हूँ। एक्चुअल में थ्रेड फॉर्म ये जो डार्क दिख रहा है ना ऐसा रहेगा, मैन्युफैक्चर करेंगे तो ऐसा दिखेगा, ये रहता है क्रेस्ट, ये रहता है रूट, लेकिन जब हम मैन्युफैक्चर करेंगे प्रैक्टिकल यूज़ में बटर थ्रेड आएगा तो ये फ्लैट रहता है मैन्युफैक्चर करने के बाद ऐसा। तो इसका विड्थ जो रहता है 0.16 रहता है, 6.4 हम देखेंगे तो वो लगभग उतना ही आया रहेगा। देखो ये 6 mm बराबर 6 mm आया है, थोड़ा आगे 6.4 mm है, तो उतना ही आया है हमारा। तो अभी इसको मैं हैचिंग करूँगा, हैचिंग करने से क्या हमारा पार्ट अच्छा दिखता है एग्ज़ाम में भी, एग्जामिनर जो चेक पेपर चेक करता है उसको अच्छा लगता है, और ड्रॉ करने के बाद लगता है कि अच्छा किया है, ये करना भी ज़रूरी है। पार्ट जो भी पार्ट्स हमें दिखाने हैं वो सेपरेट दिखते हैं। हैचिंग करने के बाद मैं आपको पैरामीटर्स दिखाऊंगा क्या क्या और कौन से डायमेंशन हमने यूज़ किए। बहुत ही सिंपल रहता है बटर थ्रेड निकालने के लिए, एक्मी थ्रेड जितना हार्ड नहीं रहता। वन डायरेक्शन में पावर ट्रांसमिट करने के लिए एक्मी थ्रेड यूज़ किए, सॉरी बटरेस थ्रेड यूज़ किए जाते हैं सिर्फ वन डायरेक्शन में, और हाई लोड कैपेसिटी के लिए यूज़ किए जाते हैं क्योंकि ये वेरी हाई एक्सियल थ्रस्ट बियर करता है। वेरी हाई एक्सियल थ्रस्ट हैंडल करने के लिए ये बनाया जाता है। अब मैं दिखाऊँगा आपको कि पिच, जो कि यहाँ से यहाँ तक पिच का डेफिनेशन मैंने बताया आपको, यह है हमारा पिच। अ पॉइंट ऑन अ थ्रेड टू द सेम पॉइंट ऑन अ एडजेसेंट थ्रेड, ये रहता है हमारा पिच। पी से डिनोट करते हैं, जो कि हमने 40 mm लिया है। यहाँ पे मैं आपको दिखाऊंगा फ्लैट, यहाँ पे है फ्लैट हमारा जो कि हमने लिया 0.16 pi, और ये जहाँ पे मैंने क्रेस्ट टू क्रेस्ट टू फ्लैट का डिस्टेंस आपको बताया वो था d/8। हम यहाँ पे दिखाएंगे d/8,
ये रहता है डी बाय एट, ये रहता है टी बाय एट, और ये टोटल डेप्थ रहता है, टोटल हाइट, इंजीनियरिंग की लैंग्वेज में इसको डेप्थ कहते हैं, जो कि हम कैपिटल डी से डिनोट करते हैं। और ये स्मॉल डी रहता है, यहाँ से यहाँ तक का डिस्टेंस ये स्मॉल डी रहता है। अगर हम ऊपर से हम डी बाई एट और नीचे से डी बाई एट, यानी कि 0.125 ऊपर 0.125 नीचे माइनस करेंगे, तो बीच का अपने आप 0.75 डी आएगा। तो ये इसको स्मॉल डी से डिनोट करते हैं। ये हो गया हमारा बटरेस थ्रेड, बहुत ही सिंपल है बनाने के लिए। ये हो गया हमारा बटरेस थ्रेड। थैंक यू।